नमस्कार, मैं बीके दीक्षित आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सर्दियाँ, जाड़े की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और अब मैं ऐसे वीडियो समय इस समय में वीडियो पेश करने जा रहा हूँ जब आपके पीरियाडिक टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो पीरियाडिक टेस्ट के पहले का ये जो वीडियो है आपके लिए समर्पित है। होप यू विल सी द वीडियो एंड एन्जॉय इट। तो सबसे पहले हम आपको इसमें देखेंगे कि हम क्या है, क्लास सेवेंथ के लिए ये वीडियो है और उस वीडियो का नाम है लाइट। ठीक है, तो लाइट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वी विल स्टडी हियर। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइट से रिलेटेड, वो क्या है, यू कैन सी। पहले आप दो ये कमरों के स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरीके से देखिए। डू यू फील कन्वीनियंट टू सी एनी थिंग इन दिस रूम, जो रूम वन है जो सबसे ऊपर है, अगर किसी चीज़ को आप देखना चाहें तो यू कैन नॉट सी इट वेरी क्लियरली। बट इन अदर हैंड इन द सेकेंड रूम एवरी वेल द थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड यू कैन सी इट वेरी इजली। यानी यहाँ पर अंधेरा है, क्यों अंधेरा है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। यहाँ पर उजाला है क्योंकि यहाँ पर लाइट है। तो प्रश्न ये उठता है कि लाइट से किससे हमारा देखने का सीधा रिलेशन है। लाइट अगर है तो वी कैन सी क्लियरली, लाइट नहीं है वी कैन नॉट सी क्लियरली। तो सीधी सी बात है कि लाइट और देखने का रिलेशन है। उसी बेस पर ये डिफिनेशन दिया गया है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो हमको किसी चीज को देखने में हेल्प करता है। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करें तो यू कैन सी हियर द टू फिगर। हियर देखिए, एनी लाइट इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, लाइट इमिटिंग कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे लाइट निकल रही है एंड ये स्ट्रेट जा रही है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि लाइट जो है क्या हो, ऐसे जिगजैग करके नहीं जा रही है, सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है। एंड हियर एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिखाया गया है कि दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड थ्रू ऑल दिस पोर्स प्रोसेस लाइट एंड रीच टू आवर आई। लेकिन अगर इसमें से किसी भी एक कार्ड को हम अप या डाउन कर दें तो लाइट यहीं रुक जाती है, लाइट कैन नॉट पास। तो तीनों जो पोर है, जो तीनों जो होल बने हैं, तीनों का एक लाइन में होना जरूरी है, तभी लाइट जो है सीधी हमारी आंखों तक पहुंचेगी। ओके, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अब इसे आप कह सकते हो कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। और लाइट की जो स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कुछ और चीज़ें देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जनरली क्या होता है कि बच्चे जो है जैसे मिरर को लेके और किसी सोर्स ऑफ लाइट की तरफ करके और इधर उधर चमकाते हैं, क्योंकि वो लाइट बड़ी तेज़ी से इधर उधर मूव करती हुई दिखाई देती है। तो एक उत्सुकता रहती है और आप लोग बचपन में इस चीज़ को बहुत इधर उधर करते हैं, किसी की आँख के ऊपर जो है क्या करेंगे, लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो होता क्या है, ये बार बार हम रिफ्लेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं बट होता क्या है, अब उसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में देखिए, एक रे इधर आ रही है और ये एक शाइनी सरफेस से टकरा करके और लौट जा रही है। एक रे दूसरी रे आ रही है, तीसरी रे आ रही है और टकरा कर लौट जाती है। तो इस टकरा के, किसी शाइनी सरफेस से लाइट का टकरा के लौट जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। यू कैन सी हियर ऑल्सो, मिरर पे जब लाइट यहाँ पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, वो रिटर्न हो जा रही है। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट जहाँ से आई है उसी प्लेन में रिटर्न हो जा रही है। कब, जब वो किसी शाइनी सरफेस से टकरा रही है। तो व्हेन लाइट फॉल ऑन शाइनी सरफेस आर ऑन मिरर, मतलब चाहे वो शाइनी सरफेस हो चाहे मिरर हो, देन द डायरेक्शन ऑफ लाइट विल चेंज। देखो लाइट ऐसे आ रही है, जाना चाहिए उसको सीधे, लेकिन टकरा के वो लौट गई, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यानी रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट को डिफाइन, रिफ्लेक्शन को होगा, यानी क्या होगा कि लाइट स्ट्राइक ऑन ए शाइनी सरफेस एंड इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज।
तो द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अगला अगर हम पॉइंट देखें, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस बच्चे को देखिए, दिस गर्ल इज स्टैंडिंग बिफोर ए मिरर एंड हिज इमेज इज सीन हियर। देखिए दिस इज द एक्चुअल गर्ल एंड यू कैन फील इट इन योर हाउस। अपने घर में भी आप देख सकते हैं, सब लोग मिरर के सामने अपने ब्रशिंग करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, बाल निकालते हैं, ठीक है, बाल को सही करते हैं। तो क्या है ये, दिस वन इज द इमेज एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, यानी द रियल थिंग, जिस जो चीज का यहाँ पर प्रतिकृत बन रही है, यहाँ पर ये इमेज है एंड दैट इज एग्जैक्टली सेम। इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। तो इमेज क्या है कि व्हेन वी लुक इन मिरर देन वी सी द पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी पिक्चर खुद देखेंगे, द पिक्चर सीन इन द मिरर इज कॉल्ड इमेज, यानी यहाँ पर जो पिक्चर देख रही है दैट इज इमेज। ये इमेज ये देखिए, ये अगर इसके अंदर इस पिक्चर में कोई भी चेंज होगा, वो अगर ये इसके अंदर ये चेंज हाथ नीचे कर दे तो यहाँ पे हाथ नीचे हो जाएगा। तो दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें क्या होगा, द इमेज इज फॉर्म वेयर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अच्छा ये इसके बारे में, इमेज के बारे में बता दिया। देखिए होता क्या है कि यहाँ से लाइट मिरर पर पड़ती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वो किसी प्लेस पे या तो मिलती है या मिलने मतलब मिलती हुई लगती है, प्रतीत होती है। तो जहाँ पर वो मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है या सिम टू मीट, वहाँ पर इमेज बनता है। अब यहाँ पर देखिए, यानी जो इमेज है, अगर आप ये सामने खड़े हुए तो आपके सामने इमेज जो है दिखाई देगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वर्चुअल इमेज है, इसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बट एक चीज़ क्लियर है कि ये जो मिरर का जो लाइन है, इस मिरर की लाइन से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा ठीक उतनी ही दूरी पर आप इमेज पीछे की तरफ बनता हुआ देखेंगे। यू कैन सी, ध्यान से देखिए, ये हाथ इसका है तो मिरर से जितनी दूरी पर हाथ है तो उसका इमेज बन रहा है, वो भी मिरर से उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। तो ऐसा महसूस होता है, ये रियल पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये इमेज है। अब टाइप ऑफ इमेज देखो, अभी बार बार इमेज की बात कर रहे थे। इमेज दो तरह के होते हैं और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेस होता है, एक ऐसा आधार होता है जिसके बेस पर इस इमेज जो है वो डिफाइन किया गया है, वो ये होता है, डिफरेंट किया गया है। जो दो अलग अलग तरीके की इमेज आपको बताने जा रहा हूँ, तो दोनों में एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान रख सकते हो। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पर उतार सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, उसको बाद में भी दे सकते हो। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। ये इमेज जो है वर्चुअल होता है, मतलब लगता है, आभासी होता है, आपको महसूस होता है, इसको स्क्रीन पर हम नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप किसी कैमरे से फोटो लेते हैं तो वो रियल इमेज बनता है, लेकिन आप मिरर के सामने देख रहे हो तो वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो हम रियल इमेज बारे में दो, एक पॉइंट डिफरेंस बताया कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। दूसरी बात है कि इट इज एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, एग्जाम्पल जैसे इमेज फॉर्म बाय द सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन पर जो देखते हैं दौड़ते भागते हीरो हीरोइन को, तो वो क्या रियल इमेज होता है, ठीक है। अच्छा ये कब बनता है, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर देन इट। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए, मैं आपको इसको एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि देखिए अगर कोई ये इमेज कैसे बनता है, जैसे कि अगर हम मिरर की एक मिरर ले लें, अब ये लाइट यहाँ से ये जा रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, एक दूसरी लाइट आप ले सकते हो कि कहीं से भी इसको ले सकते हैं हम लोग, जिससे मान लीजिए कि ऐसे कोई लाइट आ रही है और वो ऐसे रिटर्न हो रही है, तो ये दोनों लाइट कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करती है, तो यानी मीट होती है। तो जहाँ पर वो दो लाइनें एक दूसरे से मिलती है वहाँ पर रियल इमेज बनता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इमेज जो लाइट है वो ऐसे मूव कर गया, ठीक है, जो लाइट इसके ऊपर पड़ा वो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, जिनके मिलने की संभावना नहीं के बराबर है।
तो ऐसे में ये जो लाइट हो, ये लाइन होती है, ये ऐसा महसूस होता है पीछे की तरफ, ये ऐसा महसूस होता है कि ये लाइनें यहाँ मिल रही हैं, एक्चुअली मिलती नहीं है, महसूस होती है, तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, वास्तविक रूप से मिलती है, तब जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन देन द इमेज इज फॉर्म, रियल इमेज होगा, तब रियल इमेज होगा। लेकिन अगर यही रे, अब यहाँ पर देखिए, वेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू मीट, देखिए दोनों में अंतर है, अपीयर टू मीट और यहाँ पर क्या है एक्चुअली मीट, यहाँ पर रियल में वो मिलते हैं, यहाँ पर मिलते नहीं है, ऐसा हम लोग को महसूस होता है, अपीयर टू मीट, तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म होता है। ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच में। अब जैसे आप देख, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है, यू कैन सी, आप ऑफेन आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर देखते हैं आपके बाल कैसे, आपका ड्रेस कैसा, आपका शर्ट कैसा, आपका सब देखते हैं, सब लोग देखते हैं, ऐसा इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो ये रियल, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये क्या है, ये इसकी इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसमें कुछ पॉइंट, खास बात क्या होता है। तो तीन पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, एक पॉइंट तो पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कुछ पॉइंट जो भी है यहाँ पर मैं तीन पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहला चीज़ ये है कि देखिए, ये जो मिरर है, दिस इज द पोजीशन ऑफ मिरर, यू कैन सी दिस इज द पोजीशन ऑफ, ये पोजीशन ऑफ मिरर है, और मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूरी पीछे की तरफ इमेज बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि मिरर से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा, मिरर से वही डिस्टेंस किसका होगा, इमेज का होगा। यानी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम, समझ में आ गई भाई, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी बात देखिए, साइज को देखिए, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, द ये इमेज का भी साइज वही होगा, यानी द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल, दोनों जो है क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन द मिरर इमेज जो है अपीयर टू बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है। दूसरी चीज़ द इमेज कैंडल, ये कैंडल को लेकर एक्सप्लेन किया गया है, ये प्लेन मिरर में जो है सेम साइज की होगी, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। दूसरी चीज़ डिस्टेंस बता दिया, ठीक है, और तीसरी द इमेज फॉर्म By the plane mirror is erect। और तीसरा जो important point है, वो जो जैसे ये object सीधा खड़ा है, जैसे object खड़ा है वैसे ही image आपको सीधा मिलेगा। अगर यही head नीचे हो जाए और ये पैर ऊपर हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, inverted कहेंगे। जैसे ये arrow है, ये क्या है, erect है, और इसी arrow को अगर हम इस direction में कर दें तो ये क्या होगा, ये inverted हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों, लेकिन प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, तीन पार्ट, एक बार फिर से बता दूं कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इक्वल, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ द इमेज इक्वल, एंड द थर्ड पॉइंट कि द इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद से आता है साइड इन्वर्जन। एक और चीज़ होती है, आप मिरर के सामने खड़े होकर इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि आप मिरर के सामने खड़े होकर के आप अपना लेफ्ट हैंड, जैसे ये बच्चा क्या करे, ये दिस वन इज द राइट पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है, राइट पोजीशन है, और ये खड़ा होता है तो इस बच्चे का जो ये जो इधर पोजीशन जो दिखेगा वो लेफ्ट दिखेगा, मतलब इसका जो राइट इधर है तो राइट इधर होना चाहिए, बट राइट क्या होगा, इधर की तरफ दिखता है, राइट इधर है तो राइट इधर की तरफ दिखता है, ये इसका जो लेफ्ट है तो लेफ्ट, ये मतलब जो पोजीशन होती है वो इन्वर्ज कर जाती है, मतलब लेफ्ट टू राइट हो जाता है, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट साइड में दिखता है, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में दिखता है। तो इस फेनोमेना को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन, क्या कहते हैं इसको, लेटरल इन्वर्जन। जैसे वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड लिफ्ट आवर राइट हैंड, अगर ये राइट हैंड उठाएगा तो इसको ये इसका लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखेगा। तो वी सी इमेज लेफ्ट हैंड एंड इफ वी लिफ्ट आवर लेफ्ट हैंड देन द इमेज अपीयर टू लिफ्ट इट्स राइट हैंड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम द लेफ्ट साइड इन द इमेज, वाइल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी बिकम राइट साइड ऑफ द इमेज।
and it appears as if our image can reverse side way. With respect to our body, the effect of reversing the sides of an object and its image is called lateral inversion. मतलब left का right, right का left में दिखना lateral inversion कहलाता है. And so we say that image form in plane mirror is laterally inverted. So this is all about the first part of the light. इसमें दो हमने पार्ट बनाए हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी ना हो, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो इसलिए बनाया है. कैसा आपको लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच.